अरे भाई आज मैं ही कूप करूंगा। देखो मेरे हाथ में है। हाँ एक ऐसा कबाब मिल जाए तो अभी सच में लाजवाब है भाई। हाथ में आ गया है बिरयानी। सुबह से रैंडमली कोलकाता में गोल 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 घूमते ही जा रहा हूँ। और घूमने के बाद भी मेरा जिस दुकान में जाके मेनली आज ब्लॉग बनाने का दिन था वो दुकान आज निकला बंद भाई। तब मेरे को याद आया कि कहाँ जाऊँगा कुछ पता ही नहीं चल रहा था। घूमते घूमते अभी श्याम बाजार आ गया हूँ। अब श्याम बाजार में किधर जाऊँगा अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो देखते हैं क्या कहाँ जाएंगे। बहुत घूमने के बाद फाइनली मैं उस जगह में आ चुका हूँ जहाँ पे आज मैं वीडियो बना सकता हूँ। पिछले बार जिप्सी बॉम के साथ आया था तो ये जगह पे मैंने बिरयानी हम खाने वाले थे लेकिन खा नहीं पाए फॉर एनी केस क्योंकि बहुत देर हो गया था। आज हम आ गए हैं दोपहर के अभी बज रहा है कुछ 3:30 की तरफ जा रहा है तो इधर बिरयानी ट्राई करेंगे। कहाँ आ गए हैं श्याम बाजार 5 मोर ठीक पास में है बॉन्ग एंड बोन्स। ठीक है तो मैं दिखाऊंगा बॉन्ग एंड बोन्स। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है मेरे भैया है दिखा देता हूँ। तो मीट बॉम्ब फूड हाईलाइट्स की तरफ से इंस्टाग्राम ऑन ऑफ द एंड ऑन ऑफ द बहुत ही जेन्युइन बंदा है। मेरे साथ पहला बार मीट हुआ था फूड स्पॉट इवेंट में। तो वेलकम टू माय चैनल फूड फन एंड इनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जाके सपोर्ट कर देना भैया को। भैया बहुत सपोर्टिव है और आप लोग प्लीज थोड़ा फॉलो कर लेना एकदम। तो ये क्या बन रहा है टेंगरी कबाब अच्छे का टेंगरी कबाब हो रहा है। अच्छा दही लंका लगे पूरा टेंगरी कबाब आ जाए पूरा कबाब। तो देखो गाइस टेंगरी कबाब एक पीस पीस का कितना ग्राम होगा। एक पीस 150 ग्राम होता 150 ग्राम का एक तो टेंगरी। बाप रे बाप भाई भाई बहुत अच्छा। तो चला गया हमारा कबाब बनने। देखो गाइस ये जो पीस है बाप रे बाप बड़ा ही है बहुत बड़ा साइज का है। तो ये जाएगा बिरयानी के अंदर तंदूरी जो है ना तो ये सब तंदूरी में जाएगा। वाव एम्पल साइज का है। तो भैया ले रहे हैं एक फ्राइड राइस और चिली चिकन कॉम्बो और मैं ले रहा हूँ बिरयानी। तो दिखाते हैं दबा के खाएंगे दबा के खाएंगे। पेट में बहुत तेज से चूहा दौड़ रहा है और भाई मर जाऊंगा मैं। सुबह से कुछ भी नहीं खा के आया हूँ घर से। तो फिर स्टैंडर्ड ने फुचका मार दिया था। फुचका से कुछ नहीं होता है गाइस पेट के एक कोने में जाके मर जाएगा। मैं मुझका रहा नहीं गया मैंने स्टैंडर्ड ने फुचका मार दिया 40 रुपए का। ठीक है 40 रुपए हमें कितना दिया भाई 10 दिया होगा हम लोग गिने भी नहीं है। मैंने खाया नहीं एक पीस खाया था बस ना। तो मैं नाम टट्टू बोला था सौमिक दास। तो भैया का नाम है सौमिक दास। और ये दुकान कितने बजे से खुलता है सुबह को 12:30 से और रात को कितने बजे बंद होता है 10:30 और ऑल टाइम ऑल आइटम मिल जाएगा ना। बाप रे बाप मैं आज के आके इन लोगों का झमेला कर दे रहा हूँ। अंदर आ गया किचन का है ना झमेला को दीची ना बोलो। तो इधर हो गया चाउमीन इधर क्या बन रहा है ये क्या बन रहा है चिली चिकन फ्राई हो रहा है। भाई आज मैं ही कुक करूंगा। देखो मेरे हाथ में है कुक करने का सब कुछ अभी हम ही कुक करेंगे। और ये क्या बन रहा है भैया ये क्या चिंगड़ी तावा चिंगड़ी दिखा दीजिए एक बार। बाप रे बाप इतना सारा चिंगड़ी है देख लो। हाँ एक ऐसा कबाब मिल जाए तो अभी हम लोग मर जाएंगे ऐसे कबाब देख के। उधर देखो भैया खड़े हुए हैं उनको भी खाना है ना मेल से ही मजा आ जा रहा है। भूख को और ज्यादा बढ़ जा रहा है। हम लोग आज फूड वर्क हो गया फाइनली आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग फूड वर्क। हाथ में आके कोको कोला और अभी इसी से थोड़ा सा हमें रिलीफ मिल रहा है क्योंकि रिलीफ नहीं मिल रहा था इतना देर से। स्टैंडर्ड घूमे उसके बाद पार्क स्ट्रीट घूमे उसके बाद न्यू मार्केट घूमे उसके बाद श्याम बाजार आए उसके बाद अभी पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। इसी से आज हम लोग प्यास बुझा लेंगे। तो हाथ में आ गया है देखो ये है चिकन। चिकन मैं थोड़ा सा अंदर से दिखा देता हूँ कोटिंग है थोड़ा हल्का एकदम पतला सा कोटिंग है। तो कोटिंग को हटाने के बाद अगर चिकन को ट्राई करूंगा ये देखो कोटिंग है ऐसा स्लिक कोटिंग है अंदर ऐसा चिकन मिलता है। तो चिकन को राइस के साथ थोड़ा सा ट्राई करते हैं।
सच में लाजवाब है भाई, लाजवाब है भैया का खाना मैं ही खा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, दोनों भाई आज साथ में खाएंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके लिए इसके बाद आएगा मटन बिरयानी, मटन बिरयानी ट्राई करने के लिए हम लोग मतलब वेट पे वेट किए जा रहे हैं। मटन बिरयानी से पहले तो इसको यार देखो, क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। ये खाने के बाद मटन बिरयानी खा पाएंगे या नहीं ये भी पता नहीं, लेकिन खाएंगे खाएंगे। चलो एक आलू चिकन और उसके साथ लेग पीस वाला चिकन मिला है और राइस भी देख लो, राइस हाथ में आ गया है बिरयानी। तो एक इतना बड़ा साइज का लेग पीस, एक ऐसा अंडा और इतना अमाउंट का राइस और थोड़ा सा सलाद दिया गया है भाई साहब। ये चिकन का पीस देखो कितना ज्यादा सॉफ्ट है, हाथ देते ही टूट जा रहा है, दिखा देता हूँ ये देखो भाई 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 भाई, इतना फ्लेवरफुल देखो अंदर तक गया है कि कलर देख के समझ में आ जाएगा, कलर देखो, कलर देख के समझ में आ जाएगा कि अंदर तक फ्लेवर गया है। आगे देखते हैं चिकन को, पूरा मेल्ट इन माउथ है, बहुत फ्लेवरफुल है, टेस्टी भी बहुत है। बिरयानी के साथ औसम है, औसम। जैसा मेरे को सभी ने सजेस्ट किया था इस तरह के खाने के लिए, तो सच में बहुत अच्छा है। मैं एक ही चीज बताऊंगा, राइस का देखो हर एक चावल एक दूसरे से चिपकते नहीं है, पूरा अलग अलग है चावल और बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई करके देखो अन्ना भैया, तो अभी अन्ना भैया ट्राई करेंगे। कैसा है? मस्त चाहिए भाई। चिकन क्या गई है? पूरा खा लूंगा मैं। पूरा मत खा लेना, मेरे को भी खाना है। बहुत ऑयली नहीं है भाई ये, मुझे पता, मैं ज्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करता। लेकिन ऑयली खाने से क्या पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा ना। इसलिए मैं ज्यादा ऑयली खाना पसंद नहीं करता, ये एकदम बिना ऑयल का है, बिना ऑयल का ऐसा नहीं, तो ऑयल नहीं है, ऑयल है थोड़ा, ऑयल एकदम हल्का ऑयल है, हल्का ऑयल है, ठीक है। अच्छा है ना? अच्छा। तो कैसा रेट, कितना रेटिंग देंगे आप इसको? ये 4.8 है भाई, आउट ऑफ 5। वाह, आउट ऑफ 5 4.8। वाह। तो अभी हम लोग का खाना हो गया कंप्लीट और अभी हम लोग जा रहे हैं मिठाई खाने। थोड़ा सा इतना हैवी कुछ खाने के बाद मुंह थोड़ा करता है कि थोड़ा मिठाई खाया जाए, कि मीठा होना चाहिए भाई, मुंह में थोड़ा मीठा होना चाहिए। तो हम अभी आए हैं चित्तरंजन मिष्ठान भंडार, आप देख सकते हो मेरे ऊपर, और ये जो दुकान है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, इधर लिखा ही हुआ है देख लो 100 ईयर्स, मतलब 115 साल हो गया है। तो अभी हम लोग लिए हैं मधुपर्का, मधुपर्को बोले मधुपर्का, तो हिंदी में बोलते हैं मधुपर्का। देखो कुछ ऐसा टेक्सचर है, बहुत ही ज्यादा ठीक है, दिल भी नहीं रहा है। देखो ये है वैनिला फ्लेवर, इधर का सबसे फेमस आइटम या फिर स्वीट जो बोलते हैं आप लोग। लेट मी टेक फ्रॉम दिस एंगल, कुछ ऐसा ठीक है। इतना क्रीमी है, क्या दूध यूज करते हैं आप लोग? दूध और चीनी और कुछ नहीं, दूध मैंने कौन सा दूध, गाय का दूध हम लोग को डेयरी फार्म है। तो इधर सुनने से में दे रहा है कि इधर डेयरी फार्म है इन लोगों का खुद का, जिसके वजह से ये इतना ज्यादा ठीक है और इतना इतना मिही है, मैंने क्या बोलूं मैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है। और जब ये ठंडा ठंडा है ना मुझे अंदर जा रहा है ना, इट्स द मेल्टिंग माउथ,
बहुत ही डिफरेंट है, सिर्फ दूध और चीनी से इतना सुंदर बन सकता है कुछ चीज़, मैंने इसके पहले कभी नहीं खाया। मधु बर्गर मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, इसलिए मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगा, पूरा एकदम रिफ्रेश हो जा रहा है। तो ये है देखो, इतना सॉफ्ट है मिठाई, रसगुल्ला इसका छोटा साइज है, कत का दाम है 20 टका पीस, 20 रुपया पीस है, साइज किंतु अनेक छोटा अच्छा है, किंतु वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, देखते हैं क्या टेस्ट करके कैसा है। जब सॉफ्ट होता है ना, क्या चीज होता है बोलिए तो, आप दांत देने से ना ज्यादा टेस्ट टूटता नहीं है, दांत के साथ अंदर चल जाता है, वो पूरा फील हो रहा है मुझे। एटा ख्याल कर बेन, सॉफ्ट है, दांत के काट देना, दांत के साथ ना भीतर चिपे चले जाए, है ना, डायरेक्ट काटे ना, खूब भालो असाधारण। तो आज का जो फूड जर्नी है अर्णव भैया के साथ, इधर ही हम लोग एंड करते हैं। इस फूड जर्नी में आपने देखा है कि हम लोग कैसे एक नॉन प्लान वीडियो को प्लान वीडियो में बदलने के लिए आए थे सैम बाजार, जो कि सक्सेसफुल भी हो गया है। सैम बाजार में बॉन्ग एंड बोन से हम लोग ने खाया चिकन बिरयानी, फिर इधर आके चित्तौड़गंज से खाया हमने मधुपुर को एंड देयर फेमस स्पॉन्जी रसगुल्ला। तो इसके बाद मेरा पेट में जगह नहीं है, अर्णव भैया का भी जगह नहीं है, आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। मेरे को लगता है कि वीडियो से आप कुछ भी आपको पसंद आएगा आया होगा, क्योंकि वीडियो कुछ हद तक कुछ भी हम लोग किया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का प्री प्लान करके आएंगे और बहुत ही अच्छा एक तो कंटेंट लेके आएंगे, प्रॉमिस करता हूँ। एंड तब तक के लिए सपोर्ट करिए और हेल्दी रहिए, और लास्ट में जो बोलता हूँ, खाते रहिए।